हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। इस यूट्यूब चैनल की सहायता से हम आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ मुख्य जलप्रपातों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से। तो सबसे पहले जो जलप्रपात है हम लेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है चित्रकूट जलप्रपात। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे चित्रकूट, चित्रकोट और कुछ लोग इसे चितरकोट के भी नाम से जानते हैं। इसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है। यह बस्तर जिले में जगदलपुर में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। हमें किस जगह पे है वह और किस नदी पे है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो यह बस्तर ज़िले में है और इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और यह जलप्रपात जो है 29 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अब हम अगला देख लेते हैं जो कि है तीरथगढ़ जलप्रपात। यह भी बस्तर ज़िले में है और जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मुनगा बहार नदी पर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्राकृतिक शांत वातावरण है, पूरा वनों से आज आच्छादित है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है यहाँ पर तीरथगढ़ में। तो ये कहाँ पे है, यह बस्तर ज़िले में है और इसे मुंगा बहरा नदी पर स्थित है। इसे कुछ लोग मुंगा बहरा भी नदी कहते हैं, कई लोग मुंगा बहरा नदी भी कहते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं जो है अमृतधारा जलप्रपात। यह कोरिया ज़िले में मनेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह हसदो नदी जो है बरहमपुर की पहाड़ी से निकलकर इस जलप्रपात का निर्माण करती है। मतलब जो हसदो नदी है वो बरहमपुर की पहाड़ी से निकलती है और पहाड़ी से गिरकर इस जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसका नाम अमृत धारा क्यों पड़ा है, तो इसका जो जल है वो स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए इसको हम अमृत धारा जलप्रपात कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं जो है सतधारा जलप्रपात। जैसा कि यह नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि सतधारा क्या है, तो सबसे पहले तो यह बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और एक बोध घाट पहाड़ी है। उस पहाड़ी से गिरते समय जो जलधारा है वो सात धाराएं बनाती है, इसलिए इसका नाम सतधारा पड़ा है। अब वो सात धाराएं जो है उसका नाम है बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाढ़ धारा और शिवचित्र। ये जो है सात धाराएं हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सतधारा। और यह जो जलप्रपात है सतधारा, यह बेड़ाघाट से भी सुंदर जलप्रपात ऐसा माना जाता है लोगों का। बेड़ाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है जलप्रपात, उससे भी सुंदर ये जलप्रपात को मानते हैं लोग। अब हम अगला देख लेते हैं वह है रानी दाह। अब इस रानी दाह जलप्रपात को कुछ लोग रानी दरहा भी कहते हैं जलप्रपात, ठीक है। यह जशपुर जिले में स्थित है और यह भी एक पर्वतीय जलप्रपात है। सुकमा जिले के कोंटा तहसील के विकासखंड छिंदगढ़ में तालनार नाम के पुजारी रास में यह दरहा है। दरहा मतलब वही मैंने बताया कि दाह को कुछ लोग दरहा कहते हैं, रानी दाह या रानी दरहा, तो उस जगह पर यह दरहा है। और यहाँ शबरी नदी का जो जल है बहुत गहराई पर स्थित है और रुका हुआ है प्रतीत होता है, क्योंकि वो गहराई पर स्थित है इसलिए ऐसा लगता है कि पानी रुका हुआ है, बट ये रुका हुआ नहीं है। तो ये था हमारा रानी दरहा या रानी दा जलप्रपात। अगला हम देख लेते हैं कांगेर धारा जलप्रपात। यह जलप्रपात बस्तर जिले में कांगेर नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है और इसकी ऊंचाई बहुत कम है, 20 फीट ही है, लेकिन इसका जल जो है बहुत ही स्वच्छ है। यहीं पे निकट है भैंसा दरहा नामक एक स्थान है और वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं। तो ये था हमारा कांगेर धारा। तो हमने 6 देखे हैं जलप्रपात
और आपको मुख्य जलप्रपात में यही याद रखना है। मैं आगे और बताऊंगा आपको कौन कौन सी धाराएं याद रखनी है। आप हर जलधारा जो है, जलप्रपात जो है, किस जगह पर स्थित है और किस नदी उससे रिलेटेड है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैंने कुछ इमेजेस कलेक्ट किए हैं, बाकी इमेजेस तो मुझे मिले नहीं, जितने मिले मैंने लगा दिए। ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ है, सतधारा, अमृतधारा, रानीदा, ये सारे जलप्रपात हैं। तो हमने ये सारे जलप्रपात देख लिए हैं, चित्रकूट, सतधारा, तीरथगढ़, रानीदा, अमृतधारा और कांगेर धारा। तो ये तो मुख्य जलप्रपात थे, और बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं, जैसे रक्षकंडा है, केंदई है, दामेरा है। तो इन सब के बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल अटैच की है, तो आप प्लीज़ इसे देख लें। और इसमें सारे जलप्रपात हैं जो मैं इसमें पढ़ाया हूँ, वो भी हैं, जो छोटे छोटे जलप्रपात है वन लाइनर्स के, वो भी सारा दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसे डिस्क्रिप्शन में देख लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल जो है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे ही अपलोड करते जाऊँगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो कुछ छत्तीसगढ़ के इतिहास के ऊपर होगा, कुछ स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, जो छत्तीसगढ़ में जो भी हुआ था स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसके ऊपर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा और बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।